हे गाइस, वेलकम बैक। हम लोग हैं आज पहलगाम में। आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा। हम लोग श्रीनगर से पहलगाम आए थे बाय रोड। बहुत ही अच्छा जर्नी था वो वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर क्लिक कीजिए और वो वीडियो देखिए। और अभी हम लोग होटल में चेक इन किए हैं। टाइम हो रहा है 2 o'clock और हम लोग अभी निकल रहे हैं साइट सीइंग के लिए। यहाँ पर 3 प्लेसेस है यहाँ पर मेनली जाने के लिए, बेताब वैली, आरो वैली एंड चंदनवारी। तो चंदनवारी तो शायद क्लोज होगा क्योंकि स्नो के कारण गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे। और आरो वैली जो है वो समर में ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि फुल ऑफ ग्रीनरी होता है। सो लेट्स सी। श्रीनगर से जो हम लोग गाड़ी लेके आए थे वो यहाँ पे पहलगाम में वो लोग साइट सीइंग के लिए नहीं अलाउ करते हैं। यहाँ पे लोकल गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो हमने अभी होटल में बोला है तो लोकल गाड़ी हम लोग को 1800 में 2 जगह कवर करने के लिए बुक करके दिए हैं। एक इनोवा है, आरो वैली और बेताब वैली। और अगर आप कभी भी आते हो, अगर तीनों जगह जाना चाहते हो तो शायद 2400 रुपये लेते हैं। तो उसमें आपको आरो वैली लेके जाएंगे, चंदनवाड़ी और बेताब वैली। बट जो कहते हैं कि बेताब वैली ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि वहाँ पर वो शूटिंग हुआ था, उसके बाद से बहुत फेमस हो गई वैली। सनी देओल और अमृता सिंह की पहली मूवी थी और वो बहुत हिट हुई थी, तो उसके बाद से वैली का नाम। और बहुत ही सुंदर है ये, सुना है। और जो चंदनवाड़ी है वो आगे है, वहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, तो वो एरिया भी बहुत ही सुंदर होगा। देखते हैं, वैसे कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ गई है तो आगे तक नहीं जा सकते हैं। और आरो वैली इज़ समथिंग पीपल से एक जैसे ही लगेगा आपको। तो अगर आप वैसे कीचड़ ईचड़ होगा या कैसा होगा, लेकिन आप जा सकते हो, एक अच्छा है ड्राइव। वरना बेस्ट टाइम है ग्रीनरी जब होती है, जब समर सीजन होता है तो आपका फूल भी खिलेंगे और हरी हरी घास, तो वो टाइम मज़ा आएगा। तो अभी तो हम लोग खैर बर्फ़ के टाइम में आए हैं, बट विल इन्जॉय दैट लेटर एज वेल। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं अभी, तो चलिए चलते हैं। और ये रहा हम लोग का रूम। हम लोग चेक इन किए हैं वेलकम होटल बाय ITC पाइन एंड पीक। ये बहुत ही खूबसूरत 5-स्टार होटल है। व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है और अभी एंजॉय करेंगे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो अभी हम लोग गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं साइट सीइंग के लिए पहलगाम में। तो पहलगाम में जो हम लोग श्रीनगर से गाड़ी लेके आए थे वो नहीं जाएगी, दूसरी गाड़ी किए हैं। और ये देखिए होटल का बाहर का नज़ारा। थोड़ा थोड़ा बर्फ़ यहाँ पे है, पुराना बर्फ। कितना पड़ा नया जो गाड़ी हम लोग लेके जा रहे हैं? 1800 का गाड़ी बुक किया है। जब तक हम गाड़ी का वेट करते हैं तब तक आपको ये थोड़ा सा स्नो दिखा देते हैं हमारे होटल में। तो हमारी ये दूसरी गाड़ी आ चुकी है जो पहलगाम में हम लोग को साइट सीइंग कराएंगी। थैंक यू भैया। बशीर, बशीर जी। जी सर, आप कहाँ से? हम तो लखनऊ से हैं। लखनऊ, यू आर वेलकम सर। और बोलो कहाँ कहाँ जाना है घूमने के लिए? तो बशीर जी के साथ चल रहे हैं हम लोग। पहले चलते हैं चंदनवाड़ी, तो बंद है इस समय चंदनवाड़ी। पूरी गाड़ी नहीं जाती है, पूरी गाड़ी नहीं जाती तक गाड़ी जाती है बेताब वैली, पूरी गाड़ी जाती है। तो बेताब वैली और आरो वैली। तो अभी आरो वैली में ज्यादा बर्फ है कि बेताब वैली में ज्यादा बर्फ? तो बेताब वैली चलिए। सही बात मैं कहूँगा, क्योंकि अभी आप आरो वैली जाओगे तो इससे भी बदतर है। ओ, इससे भी बेकार है? इससे भी बेकार है। ओके, बिल्कुल बर्फ और कीचड़ है। हाँ, आरो वैली लोग जाते हैं ग्रीनरी के लिए। अभी आने वाले 5-10 दिन के बाद वहाँ से ग्रीनरी शुरू हो जाएगी। ओके, अभी वहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है। अच्छा, अभी जो है बेताब वैली अच्छा है? बिल्कुल। तो मतलब खाली बेताब वैली जाने का, जैसे आप कह रहे हैं कि अननेसेसरी पैसा लगेगा आरो वैली जाने में। जी जी, मैं 1800 बोला मेरे को दोनों का जाने। जी, तो जी, एक जी, का कितना लगता है फिर? 1500 रुपए सिर्फ बेताब वैली का। 1500 रुपए? जी सर, क्योंकि बेताब वैली इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन पहलगाम। अच्छा। हाँ, समर में आप आओगे ना? समर में आप चंदनवाड़ी जाओ, आरो जाओ शौक से, क्योंकि ग्रीनरी होता है। हाँ, अभी कहीं पर कोई ग्रीनरी नहीं है। लेकिन आरो वैली तो उतना ही पीछे है जितना बेताब वैली आगे है। जी जी, तो आरो वैली यहाँ से वापस जाना है। हाँ, और बेताब वैली यहाँ चंदनवाड़ी के रोड पे। तो इधर पीछे कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। और इधर से चंदनवाड़ी? इधर से चंदनवाड़ी है बेताब वैली।
18 किलोमीटर। तो पैसे का डिफरेंस इतना बढ़िया नहीं आया, 300 रुपए आया खाली। वो मैं बता दूंगा आपको सर। मैं आपको पूरे समझा दूंगा। ये बेतावेली इतनी फेमस है कि गवर्नमेंट ने हमारे रेट भी इसमें थोड़ा ज्यादा रखा है। अच्छा। आरओ वेली आजकल उतना फेमस नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वो एक तो वो सिंगल रोड है। ये जो रोड से हम अभी जा रहे हैं ना, इससे भी सिंगल है और थोड़ा डेंजरस भी है। कोई नहीं, ये मौसम में स्टोन पेल्टिंग वहाँ पे होता है। इसलिए मैं भी खुद हूँ वो जगह को पसंद नहीं करता हूँ ऐसे मौसम में। अच्छा, चलिए पहले बेतावेली हो लेते हैं। चंदनवाड़ी के रोड पे इसलिए लोग जाते हैं ना कि वो अमरनाथ जी का रास्ता है। वो फेमस है अमरनाथ। अमरनाथ का रास्ता है चंदनवाड़ी से। जी करेक्ट करेक्ट। बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं, कहते हैं कि अगर हमें सिर्फ चंदनवाड़ी का रोड दिखा दो हमारा अमरनाथ का पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है। ये अपने अपने मन की बात होती है, मानने वाली बात है। बिल्कुल। ये पहलगाम विलेज है, इसलिए यहाँ पे यूनियन हम लोगों ने बना के रखे। किसी भी टूरिस्ट के साथ कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। करेक्ट। नहीं, जैसे बाहर का गाड़ी श्रीनगर का आया तो वो नहीं जा सकता। नहीं सर, देखिए सर, और अगर वो जाएगी तो यहाँ भी रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ भी रोजगार मिलना चाहिए। करेक्ट। इसलिए और पर्सनल गाड़ी जो आता है वो लेके जा सकते हैं। पर्सनल गाड़ी लेके जा सकते हैं सर। अच्छा, वो लोग जाते हैं। हमारी यही है कि सबके पास रोजगार होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए। हमारे यहाँ पहलगाम में मेन दो टैक्सी स्टैंड है, तो 650 गाड़ियाँ है सर। अच्छा, हर एक को रोजगार मिलना चाहिए। ये जो आगे व्हाइट वाला पहाड़ी है सर, ये वाला एकदम व्हाइट। ओके। इसके किनारे किनारे घोड़े पे यहाँ कोई चल के जाता है। इसके पीछे बिल्कुल अमरनाथ बाबा की गुफा है। अरे वाह। जो चंदनवाड़ी से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। सो ये अमरनाथ यात्रा जो है, ये जो उनका अमरनाथ बाबा का केव है, वो ऑलमोस्ट 12,756 फीट की ऊंचाई पे है। और यहाँ से पहलगाम से हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू है, अगर कोई जाना चाहता है सीजन टाइम में जब खुलता है वो यात्रा, उस समय आप लोग हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, वरना पैदल या घोड़े से जाया जाता है। तो इट्स अ श्राइन और बहुत ही माना हुआ है। सो कोई भी अगर इधर आ रहा है और आप लोग अगर सोच रहे हैं कि हाँ अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, तो एक आपको हेलीकॉप्टर सर्विस और पैदल भी है और घोड़ा भी। सो ये पूरा वैली लिद्दर वैली है और लिद्दर रिवर भी बहती है। आपने जो पीछे देखा वो लिद्दर रिवर है, LIDDER, और ये वैली को लिद्दर वैली बोलते हैं। अब आप आगे देख सकते हो पाइन ट्रीज पे छोटा छोटा स्नो बल्ब ऐसे लगे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इधर स्नो लेपर्ड्स भी बहुत आते हैं, तो भैया बता रहे थे हमको, इन्होंने तो बहुत से देखे हैं यहाँ पर। इसके पीछे चंदनवाड़ी है, फिर शेषनाग, फिर पंचतारणी, फिर अमरनाथ गुफा, फिर उससे आगे जाएंगे पहाड़ियों से होते हुए तो कारगिल। कारगिल जी सर। इनका सिर्फ सहारा टूरिस्ट और अमरनाथ यात्रा है। अच्छा। अमरनाथ यात्रा जब चलते हैं तो ये अपने घोड़े हैं, घोड़े लेके जाते हैं, मजदूरी करते हैं और पिट्ठू विट्ठू बन के काम करते हैं, तब इनकी कमाई होती है। तो जैसे हर एक को मालूम है अपने इंडिया में कि पिछले 3 साल से यात्रा बंद है, 19 से यात्री बंद है। अब तो कोविड की वजह से हर जगह सब बंद हो गया है। कोविड का चक्कर है। तो चलो इस साल हमें ये आशा है ऊपर वाला से ही करेगा, इस साल अमरनाथ यात्रा खूब लगेगी।
बूढ़े बुजुर्ग सब आते हैं सब जाने के लिए। बिल्कुल इसमें काम करते हैं, बूढ़े हो बुजुर्ग हो जवान हो कोई भी इसमें काम करता है जी से लगन से। हमने ये कभी नहीं सोचा है कि कौन किस रिलीजन से है। पहलगाम एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप ये कहीं नहीं देखोगे कि क्या रिलीजन है क्या नहीं है। आप हमारे घर आ जाओ एक ही प्लेट में हम खाना खाएंगे। हमने ये कभी नहीं सोचा है। हाँ रिलीजन है तो वो अपनी जगह है लेकिन बाकी भाई बंधन होना चाहिए। ये हम लोग अभी चंदनवाड़ी के रोड पे है, यहाँ आगे गाड़ी नहीं जाती है तो हम लोग चल चल के थोड़ा दूर जाते हैं जितना दूर जा पाएंगे हमारे इन शूज से। स्लिपरी स्लिपरी। क्या सुंदर नज़ारा है, ये पानी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये सही है, देखिए स्लेज गाड़ियाँ दौड़ती हुई आ रही हैं मस्त बैठने वाली है। कहीं उड़ा दिया। काफी ठंड है तो चंदनवाड़ी का ये रास्ता है, सब लोग यहीं तक आके ऊपर स्लेज गाड़ियाँ भी जा रही है, थोड़ा लोगों को और थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, बर्फ में खेलने कूदने को मिलता है। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप हम लोग जा रहे हैं बेताब वैली। बर्फ उठाया तो पूरा हाथ वाथ सुन हो गया। टिकट काउंटर है यहाँ पे, कितने का? 100 रुपए का एक। सो बेताब वैली का एंट्री टिकट 2 जन का 200 रुपीज। एंट्री करते ही यहाँ पर पश्मीना गोट है। तो अभी हम लोग स्लेज पे बैठे हैं, ये चेयर वाला स्लेज है तो आरामदायक है। और पीछे मनीष। सो बेताब वैली में यहाँ पर है मैनुअल स्लेज, ये धक्का गाड़ी है। क्या बोलता है इस गाड़ी को भैया? लांसर हम बोलते हैं सर। धक्का लान टाटा लांसर, लेकिन एक्चुअली ये स्लेज गाड़ी है। स्लेज गाड़ी स्लेज गाड़ी है लेकिन इसको धक्का लांसर कहते हैं, ये लोग ऐसा बना दिया है इसको। तो आपको प्रॉपर इस पर सीटिंग होगा, देखिए पल्ली भी बैठी हुई है। और इसके बाद आप इस पर आपको 10-12 पॉइंट्स हैं वो लेके जाते हैं घुमाएंगे, आपका जूता तक गीला नहीं होगा, आप इस पे बैठे बैठे घूम सकते हैं। हाँ सर, ये बेताब घर इसको बोलते हैं, सेना अमृता सिंह का घर ये होता है बेताब हाउस। अच्छा। ये वाला। अच्छा ये बेताब वाला घर है, इसमें अमृता सिंह रहती है। जब वो पानी में नहाता है ना हाँ, वो यही हट है इसके सामने वो नहाता था वो, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट ने थोड़ा बढ़ा दिया, नदी इस साइड में से चलता था। अरे वाह, अभी तो अमृता सिंह की बेटी आई होगी यहाँ पे घूमने। आते हैं सर है? वो लोग भी उधर गुलमर्ग आया था। गुड अमाउंट ऑफ स्नो ही है। तो इस पॉइंट में थोड़ा सा वॉक, और भैया लोग पीछे से कंधे में उठा के ला रहे हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। ये जो पेड़ है ये कश्मीरी विलो है। कश्मीरी विलो सर, विलो ट्री गार्डन में। वाह, पूरा कश्मीर विलो का पेड़ है, सूखा पड़ा है अभी। इनका ग्रीनरी जाएगा शुरू अप्रैल में। ये बर्फ कितना देर तक रहेगा, मतलब कितना महीना? अभी मार्च तक, मार्च एंड तक, मार्च एंड तक रहेगा। अगर और पड़ा तो अप्रैल में भी रह सकता है। मजा आ रहा है, फुल स्नो। तो आप लोग दिन में कितना ऐसे राउंड लगाते हैं? दो तीन चार भी जाते हैं। तो आप लोग ऐसे कष्ट नहीं होता है नॉर्मल शूज में? नहीं आदत नहीं है। अच्छा, हम तो बर्फ का आदि है मैम। तो ये है ट्री हाउस, तो ये बेताब वैली का ट्री हाउस। तो यहीं पे ही सनी देओल का घर हुआ करता था, मतलब मूवी में। पल्लवी अभी सनी देओल के हाउस में जा रही है।
ऐसे ही अमृता सिंह भी जाती होगी पल्ली। ये सही था आगे का लोकेशन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फुल स्नो कवर्ड में हम लोग अभी जा रहे हैं। So, अभी हम लोग दिल पार्क में आए हैं। दिल शेप में ये पार्क बना हुआ है। ये पानी जो है अमरनाथ से आता है, होली वाटर। शेषनाग झील से पानी आता है। So, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं गाड़ी के पास। सब पॉइंट्स कवर कर लिया है और बहुत मजा आ रहा है। बहुत बहुत बेताब वैली तो हो गया। आप जा रहे हैं गाड़ी के पास। नेक्स्ट स्टॉप जाएंगे आरू वैली, जहाँ पे बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ है। 4:30 हो गया है, सनसेट भी हो गया है। लेट्स सी कितना दिखा पाते हैं आपको। सलमान हाथ से खाली इसके अंदर ये छोटा छोटा जो आप देख रहे हो, ये बल्ब की जैसे बैठा हुआ है बर्फ, ये पूरा ऊपर बैठा हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ में, जैसे क्रिसमस में बत्तियां लगाते हैं। क्रिसमस में बत्तियां लगाते हैं, सही बोला बिल्कुल। ऊपर वाले की बनी हुई है। हाँ बहुत अच्छा है। I'm in that's only daughter, do I make you proud? Writing my life in lyrics. Just for a local people, है? For go to from here to Anantnag. And Anantnag change the vehicle, है? Check another vehicle to Srinagar. Okay. अच्छा क्या यहाँ का लोकल डिश क्या फेमस है? लोकल यहाँ का लोकल डिश फेमस जो है ना वो है रिश्ता कबाबा यखनी गोश्ताबा। रिश्ता कबाबा यखनी गोश्ताबा, बिल्कुल। यखनी किसकी अच्छी है? यखनी यहाँ मटन या चिकन? मटन। मटन तो ये यहाँ पर कौन सा है जो ये गोश्ताबा या रिश्ता देगा? अच्छा आप मेन मार्केट के अंदर जाओ, वहाँ पे हमारा फेमस होटल है पैराडाइज। पैराडाइज बिल्कुल। उसका जवाब पूरे इंडिया में कहीं खाने का स्वाद जो है ना, पूरे इंडिया में कहीं। मैं भी तकरीबन आधा इंडिया घूम चुका हूँ, देखिए वो स्वाद कभी नहीं। क्या नाम बताया इसका? पुष्पन पार्क। पुष्पन पार्क जी सर। समर में ये पूरा ग्रीन और फूलों से भरा रहता है। बिल्कुल सर। और ये राइट हैंड पे पहलगाम क्लब। ओ अच्छा पहलगाम क्लब जी सर। इसमें आओगे आप तो सब कुछ बोल ही जाता है। अच्छा मतलब हरियाली में बहुत सुंदर दिखता है ये जी। प्लीज तो यहाँ गर्मी रहता ठंड रहता उस टाइम पे? यहाँ 25-30 डिग्री ज्यादा से ज्यादा जाता है। अच्छा 30 डिग्री हो गए ना तो शाम को बारिश। आपने ये कहावत कभी नहीं सुनी होगी? कौन सी? मैम प्लीज आप बुरा नहीं मानना, पहलगाम का मौसम और औरत का मूड एक जैसा है। कभी बदल सकता है। कभी भी बदल सकता है। ये बात सही है। पूरे वर्ल्ड में आप देखो ये किसी को मालूम नहीं होगा। ये हमने पूरा ट्राई करके देख लिया क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ। मैंने देखा, ये तजुर्बा मैंने किया। गाड़ी बाहर रखा सुखाने के लिए, अंदर गया चाय का एक कप पिया, बाहर बारिश है। बाहर आया अंदर गया वापस, बीवी को बोला पानी का गिलास दे दो, जाओ खुद ले आओ। उसका मूड चेंज होता रहता है। सेम ऐसा ही हमारा मौसम है।
ये रहा पैराडाइज ऊपर वाला। अच्छा ये है पैराडाइज। आरू वैली तो कैंसिल हो गया और अभी आप जा रहे हैं खाना खाने पैराडाइज होटल में पहलगाम, तो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है तो वहाँ जा रहे हैं। होटल पैराडाइज क्लोज्ड। हम मुगल दरबार जाना है क्या? तो हम लोग होटल वापस आ गए, सोचा कि यहीं पे खा लेंगे डिनर, मतलब लंच तो आज किया ही नहीं, अभी कुछ हल्का फुल्का खाएंगे और फिर डिनर करेंगे आराम से बैठ के। ये हम लोग का रूम, अभी रेस्ट लेंगे थोड़ा सा, अभी फ्रेश होके फिर से बाहर जाएंगे होटल के गार्डन बाहर, देखेंगे क्या है। और अब निकलते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं ये होटल के आसपास, कि पल्ली भी कोई लग रहा है कि चलो पीछे पाइन वाइन एरिया है वो देखते हैं, बंदर वंदर भी हैं, स्नो भी है, तो लेट्स टेक अ राउंड और उसके बाद आते हैं, बढ़िया कुछ डिनर खाएंगे, सोएंगे, थक गए हैं मस्त। और अभी वीडियो भी थोड़ी सी एडिट करनी है, फिर उसको अपलोड करना है, तो चलिए चलते हैं बाहर। बहुत पैसा देके ये होटल बुक किया है तो इसलिए उसका भी मजा लेते हैं। 18,000 का ये रूम है पर नाइट। हाँ, हमने इंटर माइल से बुक किया है, मेरे कुछ पॉइंट्स पड़े थे जेट एवेस के जो मैंने उधर ट्रांसफर किए थे, सो ये शायद इट इज रन बाय एक्सपीडिया, आई डोंट नो, लेकिन जब मैंने चेक इन किया था तो वहाँ पे एक्सपीडिया लिखा हुआ था। सो हम लोग को एक भी होटल अच्छा नहीं मिल रहा था पहलगाम में, दिस वॉज द होटल, और 18,000 रुपये का एक नाइट का होटल, चलो ठीक है तो पूरा इसका मजा ले ले जाके नीचे जाके एक एक पैसा निचोड़ के आते हैं तो देख के आते हैं इसका रेस्टोरेंट कैसा है और जिम है और थोड़ा और भी एरिया है, सो विल शो यू। तो हमारा हाई टी, इसमें सम पकौड़ा, सैंडविच, बिस्किट, केक और चटनी। मैं पी रही हूँ चाय, मनीष पी रहे हैं कहवा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, हनी, हनी डाल के कहवा, देखते हैं कैसा है यहाँ का। और पीछे पूरा बर्फ है। सो हाई टी करने के बाद अभी बाहर आए हैं और ये है नज़ारा, बर्फ थोड़ी बहुत है लेकिन जब फुल स्नो गिरता है ना तो ढका रहता है। किसी के अंदर से तो कुछ बीजा जो निकलता है जो बंदर खाता है, क्या खाता है बंदर? ये क्या है? ये है पाइन फ्लावर। देखिए हम लोग को जो रूम मिला था ये है, देखिए हम लोग का रूम ये वाला, लोकेशन अच्छा है। हाँ नीचे अभी एक देखिए वो पार्क है, एक चिल्ड्रंस पार्क है, और ये जो होटल आप देख रहे हो ये भी एक बहुत ही अच्छा होटल है, हिबान करके है, वहाँ पे हम लोग को मिला नहीं, सोल्ड आउट था तो इसलिए हम लोग ने यहाँ बुक किया। ओ ये है अम्यूजमेंट पार्क और आप देख सकते हो व्यू कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब रूम में चलते हैं, ठंड हो रही है काफ़ी, गूगल के हिसाब से 3 डिग्री सेल्सियस है, रात को और भी कम हो जाएगा, शायद माइनस माइनस में जाएगा। पता नहीं पाइन फ्रूट से क्या निकला चिपचिपा पदार्थ, कि अब देखिए ऐसे ऐसे उंगलियाँ चिपक रही हैं एरल्डाइट टाइप का है। लेकिन पहलगाम सुंदर है ना? पहलगाम बहुत सुंदर है और मस्त है, ठंड इतना बर्फ़ पड़ी है तो इतने में भी मज़ा बहुत आ रहा है, और बेताब वैली भी अच्छी थी, मज़ा आया। तो देखते हैं अभी गुलमर्ग का सुंदरता कैसी है, बट ये जगह मुझे लग रहा है कि जब ग्रीन होगी ना और ज़्यादा सुंदर लगेगी, मज़ा आ जाएगा। सो खाने का ऑर्डर देने जा रहे हैं, कुछ मिल रहा है ढंग का? मिल तो रहा है लेकिन लग रहा गलती कर दी, बाहर ही खा लेते हैं। क्यों क्या हुआ? अरे क्या बताए, ये बताओ, स्टीम बासमती राइस 425 रुपए है,
सर इतने में तुम 10 किलो बासमती खरीद के एक हफ्ता खाते। 10 किलो कहाँ मिलता तुमको? अरे 5 किलो मिल जाता, 425 रुपए 85 रुपीज पर केजी का। हे भगवान। और क्या है भाई? मुर्ग नूर महल बिरयानी, ये तो बिरयानी तो कल खाया था। मुर्ग शोरबेदार भुना गोश्त अदरकी, मुर्ग टिक्का मक्खन वाला, तड़के वाली 650 रुपए की तड़के वाली दाल। अबे क्या तड़का डालोगे भाई, कसम से। बॉइल्ड अरहर दाल टेम्पर्ड विद इंडियन स्पाइसेस एंड मुझे तो वाला एड याद आ गया, वो कहता है सर फ्रिटर्स, क्या कहता है, मैश्ड पोटैटो मिक्स विद समथिंग रैप्ड इनसाइड बिग कौन सा फ्लावर और समथिंग लाइक दैट, और ऐसे डाल के जाता है, बाहर जाता है, ए लाला जल्दी से 2 समोसा देना, लिखे सर योर व्हाटएवर इट वाज। कबे सारा दाल तड़का भाई हमने 650 रुपए की कहीं नहीं खाई, खा के देखेंगे क्या। देखिए इस दाल में कौन सा तड़का मिला हुआ है, या छोड़ो रहन। तो चलिए बढ़िया सा कुछ ऑर्डर करते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, कुछ खाने को मिल जाएगा? हाँ सर बोले। मुर्ग शोरबेदार कैसा है? अच्छा है सर, थोड़ा थिन ग्रेवी में आता है। थिन ग्रेवी में बढ़िया स्पाइसी रहेगा? स्पाइसी चाहिए सर, हम वो बना सकते हैं। हाँ स्पाइसी चाहिए होगा बढ़िया, जो भी लहसुन अदरक डाल के जो भी बनाते होंगे आप। हाँ सर। ओके तो एक मुर्ग शोरबेदार कर दीजिए और 2 गार्लिक नान कर दीजिए। ठीक है सर। और ये स्टीम बासमती राइस कर दीजिए सर, और साथ में नींबू प्याज भेज दीजिएगा। ठीक है सर। ओके हाँ जी सर, एनीथिंग एल्स? दैट्स इट, थैंक यू। हाँ यहाँ रख दीजिए। चिकन शोरबा राइस और ये नान, ऑनियन सैलड। ओके थैंक यू भैया। तो हम लोग का डिनर का कॉस्ट 1959। तो ये हम लोग का डिनर आ गया। तो ये है चिकन शोरबा, ये राइस और ये नान, बटर नान, और ये नींबू प्याज का सैलड। कैसा है पल्लवी? इससे बढ़िया तो मैं बना लेती हूँ। बिल्कुल सादा, जैसे किसी ने पानी में सारे मसाले घोल के दे दिए हो। तो कहते हैं ना ऊंचे मकान फीके पकवान, तो मज्जा नहीं आया। कोई बात नहीं, पेट भर लो, सुबह तक कर ले, फिर से चलेंगे आदूज में वाजवान खाने। तो चलिए डिनर हो गया और अब जा रहे हैं सोने। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, हम लोग श्रीनगर से पहलगाम आए, फिर पहलगाम में पूरा साइट सीइंग किया, बेताब वैली गए, चंदनवाड़ी आधे रास्ते तक गए, पूरा तो नहीं जा पाए क्योंकि बंद था। जो हम लोग ने होटल पहुंच के जो लोकल गाड़ी ली, वहां पे 1800 रुपीज़ दिया दोनों जगह घुमाने के लिए। फिर बेताब वैली में हम लोग ने स्लेज लिया, वहां पे हम लोग ने 1000 पे डील हुआ था, लेकिन वो लोग इतना मेहनत कर रहे थे, हम लोग को इतना हैवी लोगों को लोग धकेल रहे थे, तो हमने 1200 रुपये दिया ईच, तो 2400 वहां गया। और जो हमारे साथ जो ड्राइवर भैया है जो श्रीनगर से हम लोग को यहाँ लेके आए, उनका 2700 होता है एक पर डे का, तो उनका है। और ये होटल जो आया वेलकम होटल बाय ITC पाइन एंड पिग, ये तो सबसे महंगा था, मतलब 18,000 एक नाइट का। हम लोग को बाकी होटल मिल नहीं रहा था, उसीलिए जो मिल रहा था हम लोग ने ले लिया, और खाना भी अच्छा नहीं मिला। बट एनीवेज तो ये है आज का टोटल पूरा दिन का खर्चा इन पहलगाम। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो हमारे चैनल पे, और कमेंट में बताइए कि आपको हमारा वीडियो देख के कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय। बुलाना पड़ेगा तुमको, स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ेगा। बाय बाय, फिर से आओ। बाय बाय। अरे वाह।
तुम भी कश्मीरी लग रहे हो। कश्मीरी सेब, आप देखिए कितने बड़े बड़े सेब।